दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे प्लेलिस्ट के लिंक देने वाला हूँ जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा मैथ, रीजनिंग, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जीके करवाया गया होगा एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक बिना स्किप किए देखना है। जो भी लिंक होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हर एक टाइप का स्टडी मटेरियल, उसके लिए आपको एक रुपये भी देना नहीं होगा। तो टॉपिक भी उसमें वही करवाए जाएंगे, जैसे खासकर जो मैथ और रीजनिंग है वो मैंने खुद पढ़ाए हुए हैं, तो उनमें मैंने वही टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वहाँ से मैंने आपको टॉपिक करवाए हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं देखा वो मॉक टेस्ट भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो सबसे पहला जो लिंक मैं आपको दूंगा वो दूंगा मैं आपको मैथ का, डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि डिस्क्रिप्शन कहते किसे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे ये मेरा एक चैनल है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ ग्रामर के कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं। एरो पर आपने क्लिक, तो अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप बचे हुए दिन में इंग्लिश की हो, हिंदी ग्रामर की हो, रीजनिंग की हो या फिर एचपी जीके की हो, तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट भी आपको मैं यहाँ पर ही दे दूंगा, जिसमें मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका करवाया हुआ है हर एक वीडियो में। लगभग 50+ आपके मैंने 5 मार्क्स का जो पजल पड़ता है, सिटिंग अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, वो करवाया हुआ है। हर एक टाइप उसके करवाए हुए हैं, चाहे वो ट्राइंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट क्यों ना हो, क्योंकि ट्राइंगल बेस्ड बहुत कम लोगों ने ही समझाया है। ट्राइंगल बेस्ड आपको करवाया है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, स्क्वायर बेस्ड, रेक्टेंगल बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड और सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, हर एक टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट आपको मैंने उसमें करवाया हुआ है। और बात करें हिंदी ग्रामर और इंग्लिश की, देखिए वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो मैं आपको ऐसे चुनिंदा टीचर्स के प्लेलिस्ट दे रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर इंग्लिश और हिंदी ग्रामर। हिंदी देखिए आपने पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि उन्होंने हर एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है और आपके पास इतना समय नहीं है कि आपने वो सब टॉपिक देखने हैं। आपने क्या क्या देखना है, आपने उसमें देखना है, सबसे पहला हिंदी ग्रामर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपने देखना है जहाँ पर उन्होंने समास पढ़ाया हुआ है, समास, कारक, संधि विच्छेद, उसके बाद आपके लिंग, जो लिंग से जो क्वेश्चन आते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, और आपने विलोम, अनेकार्थी, पर्यायवाची, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है हिंदी में। इंग्लिश ग्रामर में आपने क्या क्या पढ़ना है, एक तो इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ना है आर्टिकल्स, आपने वहाँ पर ही चुनिंदा टॉपिक ढूंढने हैं, आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, मॉडल्स आपने पढ़ने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी करवाए गए हैं वो आपने पढ़ने हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, ये चीज़ आपने पढ़नी है, और प्रेपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सिट्यूशन, ये चीज़ आपने वहाँ से पढ़नी है। और वन वर्ड सब्सिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने का तरीका, सिनोनिम और एंटोनिम के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक होता है रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होता है, एक शब्द से मिलते जुलते सिनोनिम एंटोनिम वो आपने पढ़ने हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा मात्रा में वो याद रहेंगे। ज़्यादा समय आपने सिनोनिम एंटोनिम पर नहीं देना, ज़्यादा ध्यान आपने देना है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, टेंस आपने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेना है कि किसके साथ हैड आएगा, किसके साथ हैव आएगा, ये चीज़ें आपने बेसिक चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ये पूछी नहीं जाती। तो लिंक मैं हर एक चीज़ का दे दूंगा, तो उसमें स्पेसिफिक टॉपिक आपने पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक वो हो गए, और मैथ और रीजनिंग जो मैंने करवाया हुआ है वो आपने हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। तो मैथ और रीजनिंग आपने बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़नी है। कोशिश करें एक दिन में आप 5 से 6 वीडियोस मेरी देखो, क्योंकि 20 से 25 मिनट की वीडियो है, कहीं तो 15 से 20 मिनट की वीडियो है, तो इसमें आपका ज़्यादा जो है एरिया कवर हो जाएगा। अब आपके पास समय कम है, उसमें बेहतरीन मैंने ट्रिक्स बताई हुई है, बेसिक बताया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक जिसने पढ़नी है वो मॉक टेस्ट देख ले, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैंने अधिकतर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ही करवाई गई है। और देखिए जो प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसके अलावा भी मैंने वीडियोस पे काफ़ी अच्छे तरीके से टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक करवाए हुए हैं। इसे आप प्लेलिस्ट के अलावा भी देखिए, क्योंकि वहाँ तो मैंने करवाए ही हैं, वहाँ सिर्फ बेसिक करवाए हैं, लेकिन जो बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स मैंने इंक्लूड की है वो मैंने वीडियोज़ में की है। आपने वीडियोज़ सर्च करनी है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, है ना। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहता था जो कि बेस्ट हो। तो ये जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी बेस्ट है, और आपने सिर्फ इन पर निर्भर नहीं रहना, आपने खुद से भी कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ये तो वो चीज़ें होंगी जो हर एक बच्चा देख रहा होगा। आपकी तैयारी वहाँ से ज़्यादा मानी जाएगी अगर आप खुद से भी कुछ टॉपिक ढूंढ रहे हो, इंटरनेट पर कोई टॉपिक ढूंढ रहे हो, आप खुद से भी उसकी तैयारी कर रहे हो, है ना। तो इन टॉपिक पर भी आपने डिपेंडेंट नहीं रहना, इसके अलावा भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। और कोशिश करो जो प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी की, उसे आप कंप्लीट कर लो इन
25 से 30 दिनों के भीतर, क्योंकि आपके एग्जाम काफी नजदीक है। ज्यादा ध्यान किस पर देना है, अब आती है मेन बात आपकी, मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दो। मैथ और रीजनिंग पर आपने ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये काफी अच्छे सब्जेक्ट है। अच्छे इसलिए क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया कम है, जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब जीके, इंग्लिश, हिंदी, इसमें देखो काफ़ी वास्ट आपका एरिया है इन सब्जेक्ट्स का, तो बहुत ज़्यादा आशंका रहती है कि इसमें क्वेश्चन कहीं और से पूछे जाए, है ना, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन रीजनिंग और मैथ जो सब्जेक्ट है टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड वर्क 4 से 5 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से टाइप होते हैं सारे करवाए हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग जैसे 4 से 5 टाइप की क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपके, है ना, तो इसमें आपका क्राइटेरिया छोटा होता है, तो ये चीज़ आपने ज़्यादा ध्यान देनी है और इसी में आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कवर नहीं कर पाता। और काफ़ी जल्द मैं आपके लिए एग्ज़ाम को करने का जो तरीका है वो भी लेकर आऊँगा, क्योंकि आप तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक आपको एक सही तरीका पता नहीं होगा आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, खासकर एचपी पुलिस कांस्टेबल का। तो काफ़ी जल्द मैं इस पर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि आपने एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना है, जब आप पेपर दे रहे हो, है ना, तो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कैसे करना है, कौन टॉपिक पहले करना है, ये सब चीज़ें भी आपको मैं जल्द बताने वाला हूँ। तो आज के लिए बेसिक डिटेल थी ये डाटा देने की कि आपको ये स्टडी मटेरियल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में बिल्कुल काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करना, और जो लिंक मैं आपको दूंगा प्लेलिस्ट का उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि बचे हुए दिन में आपको अब तैयारी काफ़ी अच्छी करनी होगी, है ना। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।